पाकिस्तानियों को बचाया है। दो ईरानी जहाजों को डाकुओं से छुड़ाया। ईरान के 17 लोगों को भी मुक्त कराया है। अल नईमी जहाज पर सवार थे 19 पाकिस्तानी। सोमालिया के पूर्वी तट पर नौसेना ने ये बड़ी कार्रवाई की है। वो 36 आवर्स में 36 घंटों के अंदर ये दूसरा उनका ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया कि दो वेसल्स जो है उनको बचाया और क्रू मेंबर्स को भी महफूज किया। दुश्मन है बिल्कुल, ये बात भी जो है वो खारिज इम्कान नहीं, लेकिन आप देखें कि कुलभूषण यादव को भी पिछली दफा जो है ईरान बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, तो उस सिलसिले में भी जो है अपना ईरान का जो करेक्टर है वो बहुत सस्पेक्टेड है। ये मलबा अगर इंडिया के ऊपर डाले, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो। বন্ধুরা, এই সময় ভারতের তরফ থেকে মাত্র 36 ঘন্টার মধ্যে দুটো সফলভাবে অপারেশনকে পূরণ করেছে। এই সফল অপারেশনে পাকিস্তানের অনেক চিন্তিত, কেননা ভারতের নৌসেনা শেষ মুহূর্তে পৌঁছে 19 জন পাকিস্তানিকে মৃত্যুর হাতে থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এর সাথে সাথে 17 জন ইরানি নাগরিককেও ভারতের সেনাবাহিনী ছাড়িয়ে এনেছে। আপনাদের সবাইকে বলে দিই যে ইরানের একটি জাহাজ যেটার নাম হচ্ছে MV ইমান বলা হচ্ছে, যেটার উপর ইরানি আর পাকিস্তানি ক্রু মেম্বার যুক্ত ছিল, যাদেরকে সোমালি ডাকুদের তরফ থেকে ধরা হয়। আর এই সমস্ত ডাকুদের কাজ ওই সমস্ত নাগরিকদের পণবন্দি বানিয়ে সেই সমস্ত দেশ থেকে টাকাকে ওসুল করা। আর সেই সমস্ত দেশগুলো থেকে যদি তাদের চাহিদা বা টাকাকে না দেয় তাহলে তাদেরকে গুলি করে মেরে দেয় সেই জাহাজে। মানে পাকিস্তানিদের কাম তামাম হওয়ার কথা ছিল সেই জাহাজেই, কিন্তু এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে সেই জাহাজ থেকে ভারতের নেভি একটি বিপদগামী কল পায়। তারপরে তৎকাল ভারতের নৌসেনা এর জন্য অ্যাকশনে নেমে পড়ে আর সেখানে ভারতের সেনা পৌঁছে গিয়ে সে সমস্ত জলদস্যুদের তাড়িয়ে দেয় আর সেখান থেকে পাকিস্তানি আর ইরানি ক্রু মেম্বারদের সফলভাবে বের করে আনে। বন্ধুরা, দেখে নিন ভারতের এই কাজের জন্য পাক মিডিয়া কি বলছে। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পাকিস্তানিও কো বাচায়া হে দো ইরানি জাহাজো কো ডাকুও সে ছুড়ায়া। ইরান কে 17 লোগো কো ভি মুক্ত করায়া হে। আল নাইমি জাহাজ পর সওয়ার থে 19 পাকিস্তানি। सोमालिया के पूर्वी तट पर नौसेना ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बहुत ही जबरदस्त खबर है ये। और जो INS सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है अरेबियन सी, रेड सी और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी, फलाट, पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया नाम है, हकीकत में ये गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। गुलामी जमहूरिया जी, गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कहाँ है इस्लामी जमहूरिया, कहाँ है कानून, बताओ ना। कब तक तेल बेचेगा? अब वो टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, क्लब बनवा रहे हैं, अल्कोहलिक वहाँ पे जी बैठा,
यही पैदा कर रहा है, बहुत बेहजा ही पैदा कर रहा है। आप इस्लामी को? मैं इस्लामी को? आप इस्लामी कंट्री में रहते, यहाँ क्या हो रहा है जरा बताएं, इधर आए जरा आगे। असल में तो इस्लामिक है ना। पाकिस्तान को कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। 77 हो गए सर। 77 साल हो गए। पूरी कौम से पूछे वो आज तक नाली और गटर के सियासत से बाहर ही नहीं आए, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? ना हमारी आवाम बाहर आई है, ना हमारे सियासतदान आए। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इंडिया से हाथ मिलाना पड़ेगा। वही तो बात है ना, अब पाकिस्तान क्या करे? वो मुसलमान तो रहा नहीं है। कोई मुसलमान नहीं रहा यार, नहीं रहा। ये 25 करोड़ क्या है, बैग है खाली? मुसलमान का सिर्फ नाम के मुसलमान है, मुसलमान कोई है ही नहीं। अब तो वो हिंदू में भी मुसलमान ईमान सही खड़ा। हिंदू में ईमान है? ईमान है, उसमें ईमान है। अच्छा, मुसलमान में ईमान नहीं है, नहीं रहा। ये फिर आपने चैलेंज कर दिया, टू नेशन थ्योरी को चैलेंज कर दिया। जाते हैं ये पैसों के लिए बिक जाते, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, मकसद है आवाम परेशान हो रही है। अब ट्रेड तो आप भी उसी से करेंगे ना, जहाँ आप देखेंगे कि ज्यादा कस्टमर आता है। अच्छा, तो वो बड़ी मंडी है, इसलिए लोग इसलिए भी वहाँ प्रेफर करते हैं। फिर उनकी पॉलिसी हमसे बेहतर है। आपने लद्दाख में देखा, झड़पें हुई उनसे चाइना से, ना तो चाइना ने ट्रेड खत्म किया ना इंडिया ने, हमने यहाँ बॉर्डर बंद कर दिए। तो ये अलहदा चीजें हैं, हमारी भी 100 दफा दुश्मनी रहे, लेकिन हमें पॉलिसीज इस तरह बनानी चाहिए कि हमें भी अपना फायदा सोचना चाहिए। अगर इंडिया सोचता है, चाइना सोचता है। अच्छा, ये गजवा हिंद में पाकिस्तान जीतेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सच बोल रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है। आप तरक्की नहीं कर रहे, आप गजवा हिंद को जहन में बिठा के बैठे हुए हैं। तरक्की तो हमारे मुल्क में हो ही नहीं सकती ना। अरे एजुकेशन में भी बात कोई नहीं करता, लड़ाइयां करा लो बस। नरेंद्र मोदी 10 सालों से है, तीसरी दफा भी आने वाले, तमाम सऊदियों को सलाम ठोकते हैं, सोने के बड़े बड़े हार पहनाते हैं। भाई हमारे 50 साल भी रह दिए, सोने के नहीं है, लीटरों के हार पहनाएंगे हम आम को। हाँ सही बात है, ये 50 साल भी रहे। लित्र मतलब चप्पल? हाँ, ये चप्पल हमारे गले में डालेंगे। भारतीय सेना का ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन है। भारतीय सेना ने ईरानी फिशिंग वेसल अल नईमी को सोमालिया के लुटेरों से छुड़ाया है। सोमालिया के 11 समुद्री लुटेरों ने ईरानी फिशिंग वेसल पर हमला किया, जिसे भारतीय युद्ध जहाज आईएनएस सुमित्रा ने बचाया है। ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो आईएनएस सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है, क्योंकि इससे पहले और भी एक ऐसा मिशन किया गया। अब उसमें ये है कि जो ईरानियन फ्लैग की शिप था और नईमी इसका नाम बताया जा रहा है, और उसमें जब ये पता चला और ये देखा गया कि वहां पर जो है पायरेट्स की तरफ से ये किया जा रहा है, तो उस वक्त फौरी तौर पर जो है वहां पर इंडियन नेवी की तरफ से अपनी पूरी कोशिश की गई एंड सिक्योरिंग द सेफ रिलीज ऑफ क्रू एंड वेसल, दोनों को, यानी वेसल को भी और क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया गया। और इसमें ये जो एफर्ट्स हैं आईएनएस सुमित्रा की, इसमें पोटेंशियल पायरेसी प्रिवेंटेड पोटेंशियल प्राइवेसी ऑन मर्चेंट वेसल्स जो है, और इसमें ये भी बताया गया है कि इससे जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वो भी बिल्ड हुआ है उस एरिया में, उन तमाम कंट्रीज के लिए जो वहां पर मौजूद हैं,
और जिनकी जो पायरेसी का निशाना बन रहे हैं इस वक्त, जिनके ऊपर हूतीस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं, उन सब कंट्रीज के लिए और वहां उन शिप्स पर जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो अब इंडियन नेवी की तरफ देख रहे हैं। इसकी वजह ये है कि वो ये देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जो है ये कार्रवाइयां की जा रही हैं कि बचाया जा रहा है, बचाने की। तो अब वहां पर किसी को भी कोई खतरा होता है तो वो ये देखते हैं कि उनको बचाने के लिए क्या INS सुमित्रा या कोई जो और वहां पर इंडिया की प्रेजेंस मौजूद है, उसकी शिप्स मौजूद है, वो उनको बचाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि ये कई एक अब ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से जो है वो शिप को भी जो है महफूज किया गया और वहां पर मौजूद क्रू मेंबर्स को भी बचाया गया।